Hi friends, this is Jagriti. Welcome to our channel Acquired Knowledge. Friends, in this video we will discuss about our phases of nursing process. इस वीडियो में हम phases of nursing process के बारे में जानेंगे. Friends, last video में हम लोगों ने जाना था nursing diagnosis के बारे में और उससे पहले जाना था nursing assessment के बारे में. So अब हम आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग nursing planning के बारे में. So let's start. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं प्लानिंग क्या होता है. सो प्लानिंग जो होती है वो नर्सिंग प्रोसेस की थर्ड स्टेप होता है. एंड प्लानिंग कब किया जाता है, जब पेशेंट एडमिशन लेता है. मींस एडमिशन लेने के बाद जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है असेसमेंट का, फिजिकली असेसमेंट किया जाता है. जो भी असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है. मींस डायग्नोसिस फेज कंप्लीट हो जाता है. डायग्नोसिस में मींस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद थर्ड स्टेप होता है प्लानिंग. सो प्लानिंग क्यों किया जाता है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है उस प्रॉब्लम को केयर देने के लिए एंड उस प्रॉब्लम को ठीक करने का हमारा गोल होता है. उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाता है, क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. सो उसके लिए हम प्लान बनाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. फ्रेंड्स, अब देखते हैं डेफिनेशन. सो प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज अ सेलेक्टिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन. फ्रेंड्स, प्लानिंग क्या होता है इसे डिफाइन कर सकते हैं. ये एक सेलेक्टिंग और कैरिंग आउट ऑफ सीरीज होती है. इसमें हमारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. जो भी गोल्स है, मींस जो प्रॉब्लम को ठीक करने का जो हमारा गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, उस एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है. सो प्लानिंग क्यों करते हैं, गिव डायरेक्शन टू क्लाइंट केयर एक्टिविटीज़. मींस क्लाइंट की जो भी क्लाइंट को केयर देने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डायरेक्शन देता है प्लानिंग. क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसको एक दिशा देता है. नेक्स्ट इज़ इन्हेंस द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. ये हमारी जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंटिन्यू बढ़ावा देता है एंड जो भी फोकस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए. सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के टाइप्स क्या होते हैं. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग जो होती है उनके थ्री टाइप्स होते हैं, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग. इनके बारे में जानते हैं. इनिशियल प्लानिंग क्या होता है, ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होता है एंड व्हाट इज़ अ डिस्चार्ज प्लानिंग, इनके बारे में जानते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल प्लानिंग. फ्रेंड्स, जो इनिशियल प्लानिंग होती है वो तब परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट एडमिशन होता है. जब एडमिशन के बाद जब असेसमेंट किया जाता है एंड असेसमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई हो जाता है. जो भी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है पेशेंट का वो पता चल जाता है. उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या हमें केयर देनी है, तो क्या क्या केयर देनी है उस टाइम जो प्लान किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल प्लानिंग. एंड सेकेंड इज़ ऑन गोइंग प्लानिंग. फ्रेंड्स, जो ऑन गोइंग प्लानिंग होती है इसमें एवरी नर्सेस इन्वॉल्व होती हैं. मतलब मीन्स जो भी नर्सेस हैं सभी नर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जो क्लाइंट को केयर दे रही हैं. मीन्स जो ऑन गोइंग प्लानिंग है ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट से ही स्टार्ट हो जाता है. जो फर्स्ट शिफ्ट में क्लाइंट को जिसने केयर दिया, जिस भी नर्स ने केयर दिया, उसी वही नर्सेस के द्वारा ऑन गोइंग प्लानिंग तैयार किया जाता है एंड ये ऑनगोइंग प्लानिंग चलता रहता है. एवरी नर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डिस्चार्ज प्लानिंग. सो डिस्चार्ज प्लानिंग फ्रेंड्स क्या होता है, इन्वॉल्व एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग ऑफ आवर क्लाइंट नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज. मीन्स फ्रेंड्स, डिस्चार्ज प्लानिंग क्या होता है, आफ्टर डिस्चार्ज यानी कि क्लाइंट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने के बाद जो प्लान किया जाता है उसे कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करने के लिए. सो उस टाइम के प्लानिंग को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं. सेकेंड स्टेप है इसका फ्रेंड्स, डिस्चार्ज अबाउट द नीड्स विद विल अकर आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ क्लाइंट. जो फ्रेंड्स डिस्चार्ज प्लानिंग होता है वो क्लाइंट के डिस्चार्ज होने के बाद बनाया जाता है. डिस्चार्ज प्लानिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है एंड जो कि क्लाइंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है. तब क्या प्रिपेयर किया जाता है, जब हेल्थ केयर एजेंसीज से वो डिस्चार्ज हो रहा होता है.
एंड क्यों किया जाता है? ताकि उसे कंटिन्यू केयर केयर मेंटेन की जा सके, पेशेंट की कंटिन्यू केयर को मेंटेन किया जा सके, इसलिए डिस्चार्ज प्लानिंग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।